हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी के यहाँ पर स्वागत है मेरे चैनल व्हाट्स न्यू पे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि आप अपना MIUI 10 का जो वॉल्यूम का UI है उसको कैसे आप चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पास MIUI 10 का बीटा वर्जन इंस्टॉल है और इस पर स्टॉक जो MIUI 10 का वॉल्यूम UI आता है वो है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, थीम मैनेजर को ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है क्लासिक V10। अगर दोस्तों आप दूसरी कंट्री से हैं तो यहाँ पर आपको रीजन इंडिया सेलेक्ट करना पड़ेगा, वरना ये थीम जो है वो आपको दिखाई नहीं देंगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ से इस थीम को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, आपको सेटिंग में जाके यहाँ से कस्टमाइज़ करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो स्टेटस बार है उसको हमने यहाँ से चेंज कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारा स्टेटस बार और वॉल्यूम का UI चेंज हो जाएगा, बाकी जो आपका जो भी आइकॉन वगैरह है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि अभी वॉल्यूम का UI है वो अभी चेंज हो गया है, जो कि काफ़ी कूल लग रहा है। तो इसी तरह से दोस्तों आप अपने MIUI 10 पे इस ट्रिक को यूज़ करके वॉल्यूम का UI को चेंज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वापस से जो MIUI का जो स्टॉक वॉल्यूम UI है उसको उसके ऊपर जाना है तो आपको क्या करना है, वापस से सेम प्रोसेस करना है। आपको थीम मैनेजर पर जाना है और जो हमारा डिफ़ॉल्ट थीम है उसको चूज़ कर लेना है, तो आपका ये सब जो है वो फिर से वापस से ठीक हो जाएगा। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। आपको वापस से थीम मैनेजर पर जाना है, उसके बाद स्टेटस बार पर जाना है और यहाँ से डिफ़ॉल्ट थीम को सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि ये वापस से ठीक हो गया है। तो इसी तरह से दोस्तों आप इस ट्रिक को यूज़ करके अपना वॉल्यूम का UI चेंज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना।